आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 1 mm त्रिज्या पर पारे की बूंद है ना बराबर आयतन की 27 बूंदों में तोड़ दी जाती है, तो इसमें किया गया कार्य क्या होगा बेटा, ये हमसे पूछा गया है और पारे का पृष्ठ तनाव आपको इतना दिया गया है। तो ध्यान से देखिए बेटा, किया गया कार्य हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ये हमारे पास में 4 विकल्प हैं अवसद है ना। हमने जो बड़ी बूंद है ये वाली, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, और जो छोटी बूंद है बेटा इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर, यानी कि आयतन तो बदलेगा नहीं। तो बड़ी वाली बूंद का आयतन कितना होता है, वो होता है 4/3 πr³, यही बराबर हो जाएगा 27 गुणा एक छोटी बूंद का आता है 4/3 πr³ के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, यहां से जो मेरे पास में देखिए 4/3 π ने 4/3 π को मार दिया, तो जो r का मान आ जाएगा बेटा हमारे पास में है ना, अच्छा ये r³ बराबर कितना आ जाएगा 27 r³, यहां से किया तो ये 3 × 3 × 3 × 3 r है ना, यानी कि स्मॉल r बराबर आ जाएगा r/3 के, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा r/3 के, ये स्मॉल r का मान हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में। चलिए तो यहां तक जब मेरे पास में मान आ गया तो हमें बात पता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है ना, आयतन तो वो का वही रहता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि जो हो जाएगी वो होती है डेल्टा ए बराबर कितनी होती है, वो होती है 4π है ना, और ये हो जाएगी मेरे पास में 27r² - r² के, 27r², ठीक है, ये 27r² - r² के, तो सबके मान रखिए तो 4π तो ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, ये 27 है ना, स्मॉल r का मान रख दिया r/3² - ये आ गया मेरे पास में r² बस इसको हल किया तो ये आ गया मेरे पास में 4π 3r² - R², ठीक है मेरे बच्चों। तो ध्यान से देखिए ये आ जाएगा मेरे पास में करीब 8π r² के बराबर आ जाएगा, क्लियर है मेरी बात। तो जो किया गया कार्य होता है बेटा W बराबर वो कितना होता है, वो होता है T × क्षेत्रफल में वृद्धि, टी कितना दिया गया है बेटा आप लोगों को, अच्छा W बराबर क्या होता है T × Δa है ना, बराबर T × क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए ध्यान से बच्चों, ये मेरे पास में हो जाएगा T का मान दिया गया है 0.032 गुणा ये दिया गया है 8 × 3.14 गुणा, तो ये डेल्टा ए का मान ये रहा ना, हमने ये वाला मान रख रहे, और आर का मान आपको 1 × 10⁻³ - 3 यानी कि 1 mm दिया गया था उसकी घात 2, हल किया तो हल करने पर ये आ जाएगा लगभग बराबर 8 × 10⁻⁷ जूल के बराबर, तो 8 × 10⁻⁷ अ हमारा एकदम सही जवाब होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।